हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी मेरी कुछ और वीडियो जानी थी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। मतलब अपना मैं सोच रही हूँ आगे वाले कमरे में बैठती हूँ। यार पहले एसी चलाते हैं, यहाँ इतनी गर्मी लग रही है ना, इतनी गर्मी में बैठ के आप लोगों से बात नहीं होगी। मैं वैसे चीज़ें ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाह रही हूँ, करना भी नहीं चाहती, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि आप लोग मेरी YouTube फैमिली और मेरी लाइफ में कुछ भी थोड़ा चल रहा होता है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो मेरे लिए बस इतना बोलूँगी कि एक रिश्ता था, ठीक है, एक रिश्ता, किन्हीं ने मेरे को एक रिश्ते के लिए प्रपोजल भेजा था, ठीक है, तो मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया है। मैं जो बात है वो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी गलत मत समझिएगा कि पहली बात मैं यहाँ बता दूँ, मतलब मेरी कोई ऐसा नहीं है, जो भी है अरेंज अरेंज की तरह तरीके से देख लो। मतलब आप ये सोचो, जैसे एज अ गर्ल मैं एक लड़की हूँ और कोई मुझे प्रपोजल देता है शादी का, और मैं सामने से सिर्फ उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि हाँ निधि का मतलब कुछ भी ऐसे मतलब गलत मतलब तरीके से कि हाँ निधि का कुछ ऐसे चल रहा होगा या निधि ने किसी से बात की होगी। मैंने कोई बात नहीं करी है, ठीक है, कोई इस तरीके से, या मेरी बहुत पहले से कोई बातचीत चल रही हो या कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ कुछ फोटोज के बेसिस पे और कुछ छोटी छोटी कुछ चीज़ों के बेसिस पे मैंने हामी भर दी है। हाँ मैंने यस बोला है, ठीक है, कि मैंने बस इतना बोला है कि ना अगर उनको दिक्कत नहीं है, सामने वालों को, सामने जो भी है, ठीक है। मैं ज़्यादा मतलब मैं शब्द भी बहुत सोच समझ के यहाँ बोल रही हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, आप समझ सकते हो, यहाँ पे मेरे इतने हेटर्स बैठे हैं। कोई भी कुछ भी होता है, मेरी कोई एक सहेली भी बनती है, उसके पास भी जा जाके इतने गंदे मैसेज करते हैं मेरे बारे में। तो इसीलिए मैं आइडेंटिटी मैंने डिसाइड की है, जो भी है मैं रिवेल नहीं करूंगी यहाँ पे यूट्यूब पे। कुछ भी जैसे प्रॉपर चीजें हैं वो, अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। बस आप लोगों के साथ मैं ये बात शेयर कर रही थी कि हाँ मैंने लेकिन अपनी तरफ से यस बोला, मैंने हाँ बोला, मैंने हामी दी कि हाँ ठीक है। कि एक होता नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में, आपको भी पता है, अभी इस टाइम एट प्रेजेंट भी बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप भी जानते हो, मैं फैमिली में भी बहुत कुछ चल रहा था और मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रेस और टेंशन्स में भी थी। तो उन चीज़ों की वजह से बस एक होता है ना, बंदा ये सोचता है कि ठीक है यार, लाइफ तो वैसे भी खराब ही चल रही है, कोई ऐसा तो नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ होती है हस्बैंड के जाने के बाद, आपकी जो भी जिंदगी जैसे चल रही है, बहुत बेटर लाइफ तो है नहीं, तो खराब तो वैसे ही है, चांस लेके देख लेते हैं। ये चीज मेरी, मैंने सोचा है एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, चांस तो लेके देखते हैं ना, कम से कम आज से कुछ सालों बाद बंदा ये तो नहीं सोचेगा ना कि भाई मतलब सोचा ही नहीं इस बारे में, या क्या पता चांस लेना चाहिए था इस तरीके से, समझ रहे हो ना आप वो चीज। तो जिन्होंने मुझे प्रपोजल दिया है शादी का, वो जो है वो 3 साल से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, और वो मेरे को वीडियोस के थ्रू पसंद करते हैं, समझे आप बात। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि ये कुछ गलत मत समझिएगा, ठीक है। तो ये एक जेन्युइन तौर पे देखो, मान लो कोई आपको वीडियोस देख रहा है काफी टाइम से, 3 साल से मैं वीडियोस डाल रही हूँ, तो मेरी वीडियोस के थ्रू मुझे पसंद किया उन्होंने और मुझे शादी के लिए प्रपोजल दिया, और मैंने उस शादी के प्रपोजल के लिए मैंने अपनी तरफ से एक एक्सेप्टेंस दे दिया, मैंने बोल दिया कि हाँ अगर उनकी साइड से प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ भी इशू नहीं होता और बाकी चीजें सब कुछ ठीक रहती है, तो मैं हाँ बोलूंगी, ठीक है। और अब मेरा नेचर जानते हो, मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है, मैं करती हूँ, मैं बिना सोचे समझे जो भी होता है, मैं इतना ज्यादा मतलब जो मेरा दिमाग चलता है जैसे होता है, मैं ऐसे ही डिसीजन मैं ऐसे ही लेती हूँ अपनी लाइफ को लेके, आप मेरे को जानते हो, ठीक है। कि आप बोलोगे कि हाँ ऐसा है वैसा है, टाइम दो ये दो वो दो, देखो मेरा ऐसा है, जो जो डिसीजन लेना होता है मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोल देती हूँ कि बस मुझे, मैंने मेरे को आप लोग सब बोलते थे, देखो पहली चीज तो देखो कुछ भी पक्का नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि देखो 100 तरीके की चीजें होती हैं, देखो फैमिली में भी होती हैं, परिवार में भी होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात बोल रही हूँ, क्या पता, मैंने सिर्फ ये बात बोली है, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक है, अपने सपने, मैं अपने सपनों के लिए तो जी रही हूँ, मेरे कुछ सपने हैं जिनको मैं पूरा कर रही हूँ। जैसे मेरा सपना था कि घर बनाना है, छोटा सा प्लॉट लेना है, ये सब है, अभी भी सोचती हूँ कि एक प्लॉट लेके घर बना दूंगी, लाइफ में जो भी है अपने ड्रीम्स के लिए तो जिंदगी जी ही रही हूँ मैं, ठीक है। मेरे सपने जो है उनके पीछे तो मैं भाग ही रही हूँ, ठीक है। बट अगर मैंने, मेरे को किसी ने ना एक बात बोली थी,
आज से कई साल पहले मेरी एक सहेली थी, उसने ये बोला था कि निधि आप ना शादी जब भी करो ना तो ऐसे लड़के से करना जो आपको प्यार करे, ठीक है, ना कि आप उससे करना कि जिससे आप प्यार करो, क्योंकि जो आपसे प्यार करेगा ना वो आपको हमेशा खुश रखेगा। ये बात मेरी एक सहेली ने मुझे आज से 2 साल पहले बोली थी। तो मेरे को देखो एक चीज, मेरे को कोई एक मान लो एक प्रपोजल मिलता है, ठीक है, सामने से, ठीक है, जहां मुझे दिख रहा है कि सामने वाला मुझे पसंद करता है और मेरे बच्चे को भी अपनाने को तैयार है, ठीक है, और चीजें लाइफ में मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि चलो चीजें अच्छी हो सकती हैं जिंदगी में। तो मैंने भी एक होता नहीं कि ठीक है, लोग देखो ना आजकल पूरी दुनिया अरेंज मैरिज कर रही है, आप समझ रहे हो ना, अरेंज मैरिज पूरी दुनिया कर रही है, डिसीजन लेती है, लोग एक दूसरे को एक बार देखते हैं, एक मुलाकात में शादियां कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मेरे को भी एक प्रपोजल मिला, मेरे को लगा मतलब ओवरऑल जैसे देखने में मुझे ठीक लगा सब कुछ कि ठीक है भाई, है ना, सब कुछ है, जब सामने से मतलब इतना वो है कि चलो बच्चे को एज अ फादर अपनाने को जब तैयार है, बच्चे को रखने को तैयार है, वरना तो शादी के टाइम ऐसी कंडीशंस रख देते हैं कि बच्चे को हॉस्टल में छोड़ देना, बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को दे के आ जा बच्चा, ऐसा भी कुछ नहीं है, बच्चा साथ ही रहेगा, है ना। तो जब ये कंडीशंस थी तो मैंने अपनी तरफ से एक एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। बाकी मैं कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये चीज सोचती हूँ या ये चीज है, मतलब सोचने इन द सेंस कि मैं इस चीज में अभी मैं इसीलिए देखो यहाँ आइडेंटिटी तो मैं किसी की भी रिवेल कुछ भी नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग वही है ना इधर उधर जाते हैं, कॉमेंट्स बाजी करते हैं। बस मेरे को ये था कि मेरी लाइफ में मैंने मतलब क्या चल रहा है, इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा बता रही थी। तो मैंने मेरी तरफ से ये है कि देखो सिंपल बात है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे जो भी होता है ना शादियों में, जैसे हम अपना बताएं तो पहले तो कुंडली मैचिंग होती है, जब तक कुंडली मैच नहीं होती तो वैसी ही शादी नहीं होती, इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ाई है, ठीक है, क्योंकि पहले तो यही होता है अगर कुंडली नहीं मिलेगी तो बात वहीं खत्म है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज होती मानी जाती है, तो बस वही चीज है कि अगर देखते हैं मतलब एक तरीके से यही है, आप समझ ही जाओ जो भी है, ठीक है, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, बाकी गलत मत समझिएगा कुछ भी, ठीक है, मेरे को गलत मत बोलिएगा, ठीक है, मेरी ऐसा सच किसी से बात नहीं होती है, ठीक है, कि आप सोचो कि ऐसे है वैसे है निधि का कुछ है, तो निधि का कुछ नहीं चल रहा, बस एक प्रपोजल था उसके लिए मैंने एक्सेप्टेंस अपनी दी है कि ठीक है मैं अग्री करूंगी अगर सब कुछ ठीक रहता है तो, अगर मतलब अब क्योंकि देखिए मतलब जिनका भी रिश्ता आया है ना मेरे लिए वो अनमैरिड है, बस इतना मैं बोलूंगी और ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ, वो अनमैरिड है, उनकी पहली शादी होगी जिन्होंने मुझे शादी के लिए मतलब एक प्रपोजल दिया है, और मेरी तो आपको पता ही है मैं तो एक बच्चे की माँ हूँ, मेरा तो 4 साल का बेटा है, तो आसान नहीं होता अगर ऐसा चीज़ हो, और वो चीज़ भी देखो मैं मतलब ये सोचती हूँ कि अगर मतलब मैं बस ये चीज़ थी कि अगर सामने वाला मतलब इतना एक स्टेप लेने को तैयार है तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं जो भी है, इस चीज़ की वजह से। बाकी मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे मतलब अगर मतलब जो भी है मतलब अगर मतलब बैक अगर कोई बैक स्टेप भी लेता है या ऐसे कहता है कुछ भी रीज़न है तो मैं कोई बात नहीं, मुझे मैं पूरी तरह फाइन हूँ, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे बुरा लगेगा या दुख होगा, कोई दिक्कत भी नहीं है ऐसी, क्योंकि मैं भी समझती हूँ, मैं एक मैच्योर इनफ हूँ, मैं समझदार हूँ और मैं समझती हूँ चीज़ों को बहुत अच्छे से, कि देखिए अगर ज़रूरी नहीं है कि देखो अगर किसी इंसान को मैं पसंद आ गई वीडियो के थ्रू, क्योंकि वो वीडियोज़ देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि उनकी फैमिली को भी मैं पसंद आऊँ, और ऑब्वियसली यार कोई भी लड़का की फैमिली हो, कोई भी माँ बाप हो, अपने बच्चे के लिए ऐसे ही लड़की देखना पसंद करेंगे, जो कि अगर वो अनमैरिड है तो अनमैरिड ही लड़की देखना पसंद करेंगे, या ऐसे ही देखेंगे जिसका मतलब कोई और बच्चा ना हो, ठीक है। हर कोई किसी की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम होती है यार, हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि किसी और का बच्चा जाके किसी और के घर में रहे, तो चीज़ें तो मतलब मुश्किल तो होती हैं इस मामले में, लेकिन मैं यहाँ पे बोल दूँ कि कोई लव मैरिज नहीं है, है ना, या कोई वो है, बस वही है कि सामने से एक मतलब सामने से किसी को कोई है अगर बस प्रपोजल दे रहा है और सामने से कह रहा है कि हाँ वो करेगा मतलब वो चीज़ है, तो बस मैंने अपनी एक्सेप्टेंस दी है, मैंने अपना कंसेंट जरूर दिया है, यहाँ पे मैं बोल देती हूँ कि हाँ मैंने एग्री किया है कि अगर चीज़ें ठीक रहती है तो ठीक है, नहीं रहती तो तब भी कोई बात नहीं, मैं सामने वालों की हर एक डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, मैं इतना नहीं है कि हाँ मैं किसी को मैं कभी भी ऐसा करूँ वो करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, मैं अपने सपनों की तरफ तो जी रही हूँ, अपने सपनों के लिए ज़िंदगी जी रही हूँ, अपना मैंने अभी एक और सपना देखा हुआ है, अपना वजन कम करना है, वेट लॉस करना है, अच्छे से मतलब खुद को कैरी करना है,
इसके अलावा अपना एक प्लॉट लेकर घर बनाना चाहती हूँ मैं हिसार में। मेरा ये भी एक सपना है कि प्लॉट लेकर बनाना है इस बार, अच्छा सा बना के 2 मंजिला तैयार करूँगी, छोटा सा ही लूँ, बस उसके लिए पैसे जोड़ूंगी, पैसे कमाऊँगी। तो इस तरीके से चलो ज़िंदगी चल तो रही है, क्योंकि सपनों की ज़रूरत होती है ज़िंदगी जीने के लिए। तो वो सपने मेरी ज़िंदगी में हैं जिनको मैं देख रही हूँ, पर बस यहाँ पे बस इतना है कि मतलब जो जो भी है, मतलब कल को देखो ये चीज़ भी देखो, मेरे को लाइफ में ऐसा भी लगता है क्योंकि जो मेरी पहली शादी थी ना, उसमें ही मेरी सास मुझे कितना कुछ बाद में सुना के चली गई थी कि लड़का फंसा लिया, ऐसा है वैसा है ना, शादी करने के लिए ऐसा कर लिया, मतलब हमारे लड़के को फंसा लिया। बल्कि मैं तो फर्स्ट शादी थी मेरी, तो इतना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं शादी के बाद। तो यहाँ पे तो भाई मतलब मैं यही सोच के हैरान होती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होंगी, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब कितना कुछ मतलब हो जाएगा ना। तो इसीलिए मैं नहीं मतलब ज़्यादा मतलब सोचती, ठीक है जो भी है जैसे है। बाकी हाँ, जो जिन्होंने प्रपोज़ल दिया है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और वो अब पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली को मनाने की कि हाँ वो मान जाए और प्रॉपर तरीके से रीति रिवाज से ही सब कुछ हो जाए, वो कोशिश कर रहे हैं। बस मैंने किसी की मतलब होता नहीं है, बस मेरा मेरी तरफ से ये था रहा है कि किसी के कहते नहीं, किसी के मतलब कोई आपको दिखता है सामने से कि हाँ कोई है मतलब जो मतलब आपके लिए मतलब समझ रहे हो ना, बस उसकी डिसीजन की मैंने थोड़ी सी रिस्पेक्टफुली मतलब उसमें मैंने अपना कंसेंट दिया है। इसके अलावा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब समझ रहे हो कि ना, मेरे को गलत मत कहीं भी ठहराना। ऑब्वियसली यार, अगर आपको भी आप खुद भी लेकर देखो ये चीज़ कि अगर आपका एक बच्चा है और आपके लिए अगर कोई सामने से कोई ऐसा रिश्ता दे है ना कि मतलब बच्चे को बनाने को तैयार हो, सब कुछ इस तरीके से हो, तो आपने मतलब आप भी सोचते होगे चलो ठीक है ना, बस ये चीज़ है। और ऐसा मतलब कुछ भी गलत मत समझिएगा। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो मैं रिवेल नहीं करूँगी, ठीक है जो भी है। और बात आती है यहाँ पे, देखो चीज़ों को आप भी, मैं भी लाइटली ले रही हूँ, आप भी लाइटली लो, क्योंकि देखो मतलब अपने, मैं तो बस अपने सपनों के लिए ज़िंदगी जी रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, अभी तो देखो मेन आती है कुंडली, अगर कुंडली नहीं मिलती तो चीज़ें वहीं पे ही ख़त्म हो जाती हैं, है ना। हमारे यहाँ पे है मतलब जैसे यहाँ पे जैसे नॉर्मल, जैसे मैं पहला भी बता रही हूँ, हमारे यहाँ पे रिश्ता ना जैसे हमारे पंडितों में मेन ज़्यादा यही होता है कि पहले ना कुंडली मिलाई जाती है, कुंडली मिलती है फिर आगे बात होती है। तो देखो अगर कुंडली नहीं मिलती तो फिर वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है, उसके बाद आगे रिश्ते की मतलब बातें भी आगे कंटिन्यू नहीं होती हैं। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा, एक बार तो मैं था ये भी ना बताऊं सोशल मीडिया पे, लेकिन मेरे को लगा चल बता देते हैं, ठीक है इसमें तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ गलत हूँ कहीं से, या मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कुछ है ना, इस तरीके का तो कुछ भी नहीं है। बाकी मैंने मेरी तरफ से तो बस अपना ज़िंदगी है, लाइफ है जो जैसी चल रही है वैसी है, अपने बच्चे को देख रही हूँ, अभी भी खाना दे के आई हूँ, बिहान को चावल दे के आई हूँ, और अपने लिए खुद के लिए मैं जी रही हूँ। मेरे सपने हैं जो मैंने अपनी लाइफ को लेके देखे हुए हैं, मैं उनको पूरा कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और मुझे किसी का ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा लगता हो या कुछ है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझते हो ना वो चीज़ कि मैं किसी की मतलब ऐसा करूँगी या वो है। बस आप लोगों के साथ बस इतना मुझे शेयर करना था, बाकी जो भी आइडेंटिटी है वो मैं कुछ भी शेयर नहीं करूँगी यहाँ सोशल मीडिया पे, अभी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, जितना हो सकेगा मैं नहीं करूँगी। और अगर नहीं भी मतलब इस आगे मतलब ये चीज़ में कुछ भी होता है मतलब, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि जैसा भी था कि कुंडली नहीं मिली या जो भी बात थी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट हाँ, जो भी है ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई फिक्शनल नहीं है, या खुद से कुछ भी ऐसा नहीं है कि बना के बोल रही हूँ, जो था आपके साथ मैंने बस इतना शेयर कर दिया, ठीक है जी। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।